ठेकेदार पर कार्यवाही की मांग को लेकर की जाएगी भूख हड़ताल। ग्राम पंचायत बिसोनी के दखनी टोला में पानी टंकी निर्माण में अनियमितता पर उपसरपंच पवन कश्यप ने किया ऐलान। लगातार शिकायतें, मिन्नतें और आवेदन करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं होने और ठेकेदार के अड़ियल रवैये तथा अधिकारियों के ढुलमुल रवैये से परेशान लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत बिसोनी के उपसरपंच पवन कश्यप ने आगामी 4 नवंबर से भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उपसरपंच श्री कश्यप ने इस संबंध में लांजी जनपद CEO रंजीत सिंह ताराम, SDM ज्योति ठाकुर, तहसीलदार सतीश चौधरी, SDOP दुर्गेश आर्मो सहित PHE विभाग के SDO HK बागेश्वर को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं उन्होंने बताया कि पानी टंकी निर्माण में अनुबंधित ठेकेदार को जब भी काम ठीक तरह से करने की समझाइश दी गई तो उसके द्वारा हमेशा ही अपने राजनीतिक पहुंच की ध्वंस बताते हुए दबंगई की गई है। दूसरी तरफ इस मामले में PHE विभाग के इंजीनियर BL उद्दे द्वारा भी बार बार अवगत कराने के बाद भी पानी टंकी का आज तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया, जबकि मेरे द्वारा शिकायत करने पर ठेकेदार ने कार्य में तेजी ला दी है और गुणवत्ताहीन मटेरियल को समाप्त करके मामले में लीपापोती की कोशिश की जा रही है। क्या है मामला? ग्राम पंचायत बिसोनी के दखनी टोला आवास के पास पानी टंकी निर्माण में ठेकेदार श्री यादव के द्वारा लगातार अनियमितता बरती जा रही है, जिसके लिए पंचायत के ग्रामीणों द्वारा लगातार उपसरपंच पवन कश्यप को शिकायतें की जा रही थी तथा ठेकेदार के रवैये से अवगत कराया गया था, जिस पर उपसरपंच पवन कश्यप द्वारा इस संबंध में ठेकेदार को समझाइश देते हुए उचित निर्माण कराने की बात कही थी, परंतु समय बीतने के बाद भी ठेकेदार द्वारा अपने रवैया नहीं बदला गया और लगातार अनियमितताएं की जा रही है। PHE विभाग के अधिकारी और इंजीनियर मौन। इस संबंध में बिसोनी के उपसरपंच पवन कश्यप द्वारा लगातार इस संबंध में PHE विभाग के SDO और कर्मचारियों को टंकी निर्माण में हो रही लापरवाही और अनियमितता की जांच किए जाने की मांग की थी, परंतु उनके द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ठेकेदार के हौसले और बुलंद हो गए, जिससे परेशान होकर जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बिसोनी उपसरपंच पवन कश्यप ने आगामी 4 नवंबर से उक्त पानी के तथा पानी टंकी के सामने ही भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। मटमैली रेत का किया जा रहा उपयोग, शासन के निर्माण कार्यों से संबंधित जानकारी लोगों को मिले, इसके लिए निर्माण स्थल पर कार्य शुरू करने से पहले कार्य योजना से संबंधित बोर्ड लगाया जाता है, ठेकेदार को इसके बारे में पता ही नहीं है। किसी भी सरकारी निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले निर्माण कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, एजेंसी, ठेकेदार का नाम, निर्माण कार्य की प्रारंभ तिथि, निर्माण कार्य पूर्णता की तिथि सहित अन्य प्रमुख जानकारी अंकित की जाती है। पानी टंकी निर्माण कार्य स्थल पर कार्यरत ठेकेदार के सुपरवाइजर के पास निर्माण कार्य का एस्टीमेट नहीं होना सामने आया है, जबकि कार्यस्थल पर मौजूद ठेकेदार के सुपरवाइजर के पास एस्टीमेट होना चाहिए ताकि निर्माण कार्य के गुणवत्ता में कमी न आए। ठेकेदार से एस्टीमेट के बारे में पूछने पर PHE विभाग से मिलने की बात कही गई। उक्त पानी टंकी निर्माण में भ्रष्टाचार किस कदर किया जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण टंकी निर्माण में उपयोग की जा रही मटमैली रेत को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। जो टंकी को कितनी मजबूती करेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से ठेकेदार के हौसले बुलंद। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर पवन कश्यप है। किस पद पे आप? मैं ग्राम पंचायत बिसोनी में उपसरपंच के पद पर। ये आपने जो अभी ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर के नाम, ये किस विषय का ज्ञापन है ये? सर ये ज्ञापन इसलिए है कि जो हमारे पंचायत के अंतर्गत ग्राम दखनी टोला में टंकी बनाई जा रही है नल जल योजना के अंतर्गत में, सरकार की मंशा है कि गरीबों के घर तक के हर घर में नल लगाकर पानी पहुंचे, लेकिन उसको पलीता लगाते हुए ठेकेदार के द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, निम्न स्तर का मटेरियल डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा दूरभाष से PHE SDO PHE इंजीनियर इनको की गई, लेकिन इनके द्वारा कभी आकर देखा नहीं गया। वहाँ पर टंकी आखिरी कार्य स्तर पर पहुँच गया है, फिर भी इनके द्वारा नहीं देखा गया। ठेकेदार को भी इसकी संज्ञान दिया गया, ठेकेदार बाहर रहता है, उसके लेबर काम करते हैं, तो ठेकेदार ने मुझसे कहा कि ये काम मंत्री मेरे साथ में रहते हैं और ये काम मंत्रियों ने ही मुझे दिलवाया है,
तुमसे जो बनता है वो कर लो, आप कहीं भी शिकायत कर लो, बोले जो काम हो रहा है वही होगा। उसके बाद एसडीओ को भी इसकी जानकारी दी गई, तो एसडीओ ने कहा कि देखते हैं बात करते हैं कहा, लेकिन आज तक के सर उसमें कुछ भी नहीं किया उसने। तो अभी अब आप क्या करने वाले हैं, अभी अगर आपकी मांग पर अभी तक के कोई कार्यवाही नहीं हुई है? मैंने ये मांग किया है सर कि अगर इसकी उच्च गुणवत्ता के लिए जांच नहीं करवाते हैं तो मेरे द्वारा 4 तारीख को भूख हड़ताल किया जाएगा, जब तक कि उसकी उच्च स्तरीय जाँच नहीं हो जाती और बाहर के अधिकारी उसकी जाँच करे। यहाँ के अधिकारी सब सेटिंग में है, ठेकेदार के, वो तो कुछ करने वाले नहीं। कितने रुपए की लागत से बन रही है टंकी ये? सर 15 लाख कुछ ऐसे लागत से बन रही है। अभी वहाँ पे बिसोनी यानी कब तक के का बिसोनी में नल जल योजना की टंकी बनाने यानी दखनी टोला में ये अभी तक तो सर चालू हो जाना था, लेकिन ठेकेदार की निष्क्रियता के कारण अभी तक के इसका कार्य अधूरा, सिर्फ उसके 2 लेबर काम कर रहे हैं और 2 यहाँ के काम कर रहे, 4 लेबर अभी तक काम कर रहे, जो अभी तक अपूर्ण काम कार्य पड़ा हुआ है उसका।